ओमन में पहली बार कृष्णा को हे फीवर हुआ। उस समय हे फीवर बहुत चल रहा था और उसके बाद जीवन भर उनको ये फीवर होता रहा और ब्रोंकाइटिस भी रहा। इस समय उन्होंने काफी आराम किया उसके बाद, और उस समय जब आनंद किया तब एमिली को लिखा था कि मैं मेरे को परम आनंद की प्राप्ति हुई है और प्राप्ति हो रही है और मेरे चेतना में एक परिपक्वता आ रही है और मैं वो कर पा रहा हूँ। मतलब ध्यान के लिए बोलते हैं कि मैं उसको कर रहा हूँ। अब हम क्या सोचते हैं मेडिटेशन को, कि हम सांसों को ब्रेथ को ऑब्जर्व करें। अब उस समय वो ब्रेथ अनापान सती के लिए बोलते थे कि नहीं बोलते थे मुझे नहीं मालूम। बाकी उस समय सबसे ज्यादा पॉपुलर था ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, जो महेश योगी वगैरह करते ना, और कई थियोसॉफिकल में भी कुछ मंत्रों के उच्चार के साथ उसको वो बिल्कुल निरर्थक मानते थे। तो कृष्णा के लिए वास्तविक ध्यान क्या था? पहली बार उन्होंने लिखा था कि बिना कोई डायरेक्शन के, बिना कोई पर्पस के, अपने भीतर अनएक्सपेक्टेड इन्वेस्टिगेशन करना, विस्मयकारी अन्वेषण करना। और इस समय जब वो ध्यान के क्षणों में रहते थे तो वो कृष्णा लिखते हैं कि उनका मस्तिष्क चरम तीक्ष्णता, अन्वेषणशीलता और जीवंतता में विद्यमान रहता था। एकदम उनकी जो ब्रेन था वो बहुत शार्पन, और जो इन्वेस्टिगेशन की जो एक चरम सीमा रहती है वहां पर रहता था। फिर 1938 में, अब देखिए 37 में तो वांदा स्कारावेली मिली, 38 में भी इनके लाइफ में एक बहुत अच्छे फ्रेंड की प्रवेश हुआ। मैंने कहा ना कि वो जब गए तो बहुत सारे फ्रेंड इनके छूटते गए, कई लोगों की डेथ होती गई, पर यूनिवर्स इनके लिए बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स इनके पास लेके आ रहा था। तो 38 में ऑल्डस हक्सले, जो बहुत बड़े फिलोसोफर थे, उनसे उनकी कहते हैं जीवंत दोस्ती की शुरुआत हुई। और दोनों हस्बैंड वाइफ इनको सुनने आए थे और इनके फ्रेंड बन गए थे। तब हक्सले कुछ बीमारी का, अपने आंखों की बीमारी का इलाज करा रहे थे और कोई डॉक्टर से ने उनको एक एक्सरसाइज बताई थी। मैं जानबूझ के बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता रही हूँ। तो वो अपने फ्रेंड से तो बहुत अच्छे से वो करते थे, तो उनको आंखों की एक्सरसाइज पूछते हैं। और जबकि कृष्णा को कभी आंखों में कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, पर बोलते हैं कि आखिरी दिनों तक के वो उस आंखों की एक्सरसाइज करते थे। मैरी लिखती है शायद यही उनका प्रताप था, वो उस एक्सरसाइज का जो महत्व था कि आखिरी, मतलब बताइए 91 कंप्लीट होने वाले थे उनके, और उस समय तक के उनको चश्मा नहीं लगा था। तो हक्सले के बारे में बताते हैं अब, ये तो ऐसे ही मैंने बताया था। उनके बीच में एक विचित्र संबंध था, एक दूसरे के प्रति स्नेह था, एक दूसरे के प्रति लिहाज, और शब्दहीन संवाद होता था। वो घंटों दोनों सैर पे निकलते और घंटों चुपचाप एक दूसरे के साथ बैठे रहते थे। उसके बाद इंडिया आए कृष्णा जी, और उस समय वो महात्मा गांधी से मिले, पर कभी भी उनके प्रशंसक नहीं बन पाए। वो नेहरू की बहुत प्रशंसा करते थे, मतलब नेहरू को लाइक करते थे, पर महात्मा गांधी को कभी नहीं पसंद करे उन्होंने। क्योंकि महात्मा गांधी को अगर देखा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा डिसिप्लिन वाले थे, और ये तो डिसिप्लिन तो बहुत दूर की बात है, ये तो प्रैक्टिस भी बोलते हैं मत करो, मतलब अभ्यास भी मत करो, अवेयरनेस का भी अभ्यास मत करो, सिर्फ जागरूक रहो और वो अभ्यास तुरंत हो, ऐसा। तो ठीक है। और इस समय इनके काफी फ्रेंड्स लोगों की डेथ होती गई, पैट जूड ये सब के बारे में आप छोड़ दीजिए। अब उस समय क्या हो गया था, 38 के बाद युद्ध की संभावना थी, जो वर्ल्ड वॉर होने वाला था। उस समय कई फ्रेंड्स लोग दूसरी दूसरी कंट्रीज में चले गए थे। अब 9 साल तक के वो अमेरिका से बाहर नहीं निकले थे, और कृष्णा राजगोपाल और उनकी वाइफ रोजालैंड के साथ पूरे समय कैलिफोर्निया में ही रहे, और अधिकतर टाइम वो ओहायो में बिताते थे। अब जब वार्ताएं नहीं हो रही हैं, इंटरव्यूज नहीं हो रहे हैं, अब देखिए इस समय तो ऑनलाइन भी नहीं था, जूम सेशन भी नहीं थे, तो अब वो करे क्या? पर वो अपना एकांत को भी, अपने उन सब कुछ चीजों को अच्छे से एंजॉय करते थे। पर जो इनके फ्रेंड थे हक्सले, वो उनको बोलते हैं कि तुम कुछ लिखते क्यों नहीं? तो एक बार कृष्णा उनको लिख के दिखाते, तो बहुत अच्छा बोलते हैं आप लिखो। मतलब हक्सले ने ही उनको प्रोत्साहित किया था पहली बार कि आप लिखो, और
कितना हमको ग्रैटिट्यूड देना चाहिए। अगर वो नहीं बोलते तो उन्होंने शायद जो नोटबुक ऑफ कृष्णमूर्ति और कॉमेंट्रीज ऑफ लिविंग ये सब बुक कभी नहीं लिखते जो उन्होंने अपने खुद अपने हाथों से लिख कर दी हैं। कृष्ण के बारे में मैरी यहाँ पे भी लिखती हैं, अगर आप खुद भी देखेंगे उनके वीडियोस तो वो अच्छे स्पीकर नहीं थे। हालांकि एक अच्छे लेखक जरूर थे, अच्छे स्पीकर कभी नहीं बन पाए, जबकि उन्होंने इतने सालों तक के बोला था तो भी वो नहीं बन पाए, पर इसके बावजूद उनकी व्यक्तित्व में, उनकी पर्सनालिटी में एक ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शन था कि वार्ताओं में जो वो लेक्चर्स देते थे ना उसमें लोग खींचे चले आते थे और मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहते थे। और आप अगर बोलेंगे कि जैसे मैं अपन ही बोल रहे हैं कि लॉर्ड मैत्रेय उनके मुख से बोलते थे, अगर आप उनके वीडियोस देखोगे तो आपको बहुत प्रभावशाली नहीं लगेंगे वो, क्योंकि वो एक अच्छे स्पीकर नहीं थे। पर इसका अर्थ ये नहीं है फ्रेंड कि वो एक अच्छे मास्टर नहीं थे। रामकृष्ण परमहंस को देख लीजिए, वो कभी भी नहीं बोले, उनको वो बहुत कम पढ़े लिखे थे, उनको अपने बातों को एक्सप्रेस करना नहीं आता था, तो उन्होंने अपनी जवान के लिए, अपनी शिक्षा के लिए विवेकानंद को अपॉइंट किया था, है ना, अपॉइंट किया मतलब उनको साथ लिया था। तो ये भी एक अच्छे स्पीकर नहीं थे, परंतु मास्टर उम्दा थे, अल्टीमेट थे, और उनकी एनर्जी आप रिकॉर्डिंग में भी नहीं महसूस कर पाएंगे। जैसे एक जगह इसमें लिखा हुआ है कि वो जब वार्ताएं बोलते थे तो लोग इतने प्रभावित हो जाते थे, क्रांति घट जाती थी अंदर में, एक ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो जाता था कि यस हमको अपने जीवन के प्रति कुछ करना है। पर वही वार्ताओं को जब बुक में संकलित किया जाता था, उसको लिखा जाता था और कोई एक आम इंसान पढ़ेगा तो बोलेगा हाँ ठीक है, टीचिंग्स ठीक है, कोई बहुत प्रभावशाली नहीं, तो बोली वो क्या था जो वो बोलते थे, जब उनकी एनर्जी, वो जो मैत्रेज की जो एनर्जी जो बुलवाती थी उनको, वो जो उसके आसपास के लोगों को जो ब्लेसिंग्स मिलती थी और उस एनर्जी से कनेक्शन मिलता था, वो कभी भी उनके वार्ताओं को जब आप लिखा हुआ देखेंगे तो नहीं मिलेगी। इसी समय उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी जो बाद में पब्लिश हुई, उनकी थी एजुकेशन एंड सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ, जिसका अर्थ है शिक्षा एवं जीवन का तात्पर्य, और उनकी सबसे फेमस बुक ये जो अंतराल में लिखे थे ना, बाद में पब्लिश हुई है, प्रथम और अंतिम मुक्ति, ये सबसे ज्यादा 1954 में पब्लिश हुई थी और सबसे ज्यादा सराही गई बुक है। अब ये जब काल चल रहा था युद्ध वगैरह का, तब उन्होंने 1944 में ओहाई में 8 संडे को, हर संडे को मतलब 8 संडे लगातार उन्होंने एक वार्ता आयोजित की थी। ये इसलिए बता रही हूँ फ्रेंड कि उनके प्रति दीवानगी कितनी थी लोगों की। आप ये समझिए कि उस समय संकट काल था, पेट्रोल राशन से मिलता था, तो अब पेट्रोल जब राशन से मिलेगा तो कोई आदमी सोचेगा ना कि भाई पेट्रोल अपने घर के कामों में और अपने काम में जाने आने के लिए खर्च करूं, वार्ता सुनने के लिए कौन जाएगा, है ना। पर उसके बावजूद कहा जाता है कि लोग भरे रहते थे, वो पेट्रोल राशनिंग से मिल रही है तो भी उनकी मीटिंग्स में आके उनको सुनते थे, ये उनके प्रति लोगों का प्यार था। और क्या मतलब चाहिए कि बहुत सारी चीजें इसमें अभी बीच बीच में लिखी हुई है, मैं उन सबको नहीं बता रही हूँ अभी। अभी तक की उनकी बुक्स क्या होता था कि स्टार पब्लिशिंग ट्रस्ट के नाम से छपती थी, अब इन्होंने एक नया फाउंडेशन रखा मतलब ट्रस्ट बनाया, और अब इनकी राइटिंग्स कृष्णमूर्ति राइटिंग्स इनकॉर्पोरेटेड के नाम से छपने लग गई, और एक ट्रस्ट भी बनाया कृष्णमूर्ति राइटिंग्स का, और इसका उद्देश्य था कृष्णा की टीचिंग्स को पूरे विश्व भर में फैलाना। इसमें 3 ट्रस्टी थे, कृष्णा, राजगोपाल और 3 अन्य लोग थे, है ना। पर बाद में दुर्भाग्य से कृष्णा ने अपने ट्रस्टी से पद से इस्तीफा दे दिया। कारण ये था कि कौन इनकी वित्तीय बैठकों में और ये सब चीजों, बैठकों मीटिंग वगैरह में अटेंड करना पड़ेगा, मेरे पास टाइम नहीं है, तो उन्होंने कर दिया। पर यहीं पर बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई, राजगोपाल इसके अध्यक्ष हो गए, और अभी आप देखेंगे कि राजगोपाल ने इनकी लाइफ में किस तरीके से रोल अदा किया। कोई रोल गलत और सही नहीं है, पर कुछ कष्टकारी होता है। जितना भी दान आता था
सब इसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस ट्रस्ट में चला जाता था। अब प्रेसिडेंट कौन बन गया था? राजगोपाल। राजगोपाल क्या करते थे, हमेशा कृष्णा को दबा के रखते थे। चलिए ठीक है, बाद में देखेंगे, है ना। अब ओहाई में इन्होंने एक दूसरा स्कूल खोला, हैप्पी वैली स्कूल। पहला तो उन्होंने खोला अपना इंडिया में, फिर दूसरा खोला हैप्पी वैली स्कूल। उसको संभालने के लिए रोजालिंड को बोला गया, और काफी लोग थे, हक्सले वगैरह सब उसका ध्यान रखते थे। अब वो कोई टूर पे जाने वाले थे, परंतु उनकी तबीयत बहुत खराब होने लग गई, उनके फेफड़ों में इन्फेक्शन हो गया, और 2 महीने तक के बिस्तर पे रहे, पूरे बेड रिडन 2 महीने तक, और पूरी तरीके से हील होने के लिए उनको 6 महीने लग गए। एक हल्की सी उनकी धुंधली याद है कि वो कहते थे कृष्णा कि हाँ, मैं 1.5 साल बहुत बीमार पड़ा, और मैं मतलब वो दवाइयां नहीं लेते थे, रोजालिंड ही उनकी सेवा वगैरह करती थी, और इसलिए वो दवाई नहीं लेते थे क्योंकि उस समय उनकी बॉडी वैसे ही बहुत सेंसिटिव थी, तो कोई भी दवाई जो लेते थे ना, उनसे रिएक्शन होने का डर रहता था। आगे हम देखेंगे कि उनको कितने रिएक्शन हुए थे, मॉर्फिन जो दर्द निवारक होती है ना दवाई, तो इस समय नहीं लिए थे और अपने उस दर्द को भी सहते गए। अब देश आजाद हो गया, बहुत अच्छी चीज जो मैं आपको कह रही हूँ कि उनको चॉइस दी गई कि अब आप कौन सा पासपोर्ट लेंगे, ब्रिटिश पासपोर्ट या इंडिया का पासपोर्ट। अब ट्रैवल करने के लिए तो कोई एक पासपोर्ट होना जरूरी है, जबकि वो राष्ट्रीयता में कोई विश्वास नहीं करते थे, वो कभी नहीं कहते थे कि मैं हिंदू हूं या इंडियन हूं, नहीं, ऐसा नहीं। पर अब एक पासपोर्ट तो उनको चुनना था, पर उन्होंने इंडिया का पासपोर्ट चुना अपने आने जाने के लिए। कहते हैं कि उनके बहुत सारे फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्वतंत्रता के लिए लड़े थे, उसके प्रति उनकी एक श्रद्धा के तौर पे उन्होंने चुना था। तो ठीक है, फिर अब ओहाई में क्या होता था कि राजगोपाल इनको हमेशा दबाने की कोशिश करता था, उसमें वो एकदम सफोकेटेड होते थे, मतलब उनका दम घुटता था। अब ऐसा मास्टर जो पूरे दुनिया की चेतना को बदलने चला है, अब उसको राजगोपाल अगर कंट्रोल करेगा तो उनको तो प्रॉब्लम होगी ही। तो इस बार वो अकेले इंडिया आते हैं, और पहली बार फ्लाइट में हवाई जहाज से, तब एरोप्लेन स्टार्ट हो गए थे, अकेले हवाई जहाज से मुंबई के लिए रवाना होते हैं, और ये उनकी पहली हवाई यात्रा थी। अब इंडिया आए तो 18 महीने तक के वो यहाँ पर रहे, और ये 18 महीने उनकी लाइफ के बहुत 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 इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि यहाँ पर उनको ऐसा ग्रुप मिला, क्योंकि थियोसोफिकल सोसाइटी छोड़ने के बाद उनके जितने भी थे राजा वगैरह मतभेद हो गए थे, और उतना फ्रेंड सर्कल नहीं था कि इनकी शिक्षाओं का प्रचार हो। पर देखिए, यूनिवर्स कैसे, आप बुक पढ़ेंगे तो कैसे यूनिवर्स इनके लिए एक रास्ते बनाते जा रहा था कि इनकी शिक्षा को पूरे वर्ल्ड में तो फैल रहा था, अब इंडिया में भी फैलाने का काम था। अब इंडिया में एक पूरा ग्रुप इनको मिलता है इन 18 महीने में, और ये जो फ्रेंड्स बने जीवन पर्यंत, उनकी मृत्यु तक के बने रहे, और उनके कार्यों को बहुत बहुत आगे बढ़ाया गया। 5 स्कूल इंडिया में है उनके, सोचिए, और जो चल रहे हैं अभी तक के। और इनमें जो सबसे 2-3 और फ्रेंड्स के नाम बता देती हूँ, सुनंदा पटवर्धन, उनके हस्बैंड पामा पटवर्धन, और उनके बड़े भाई अच्युत पटवर्धन, इन्होंने भी इनके काम को बहुत आगे बढ़ाया। उनका नाम लेना हमें जरूरी है, क्योंकि इंडिया में अगर कोई भी बुक्स की या उनकी टीचिंग को आगे बढ़ा रहे हैं तो वो इनके द्वारा ही करी गई है। पर जो 2 फ्रेंड उनके सबसे करीबी बने, 2 बहनें जो बहुत बहुत इनकी लाइफ में रोल अदा करी, वो थी पुपुल जयकर और नंदिनी मेहता। अब दोनों बहनें थी, कोई आईएएस ऑफिसर थे गुजरात के, उनकी बेटियां थी, और दोनों शादीशुदा थी। अब क्या होता है, नंदिनी शादीशुदा थी, अपने उनके ससुर इनके कृष्णा को फॉलो करते थे, तो एक बार उसको बोले कि तुम चलो कृष्णा के भाषण को सुनने के लिए, तो नंदिनी उनके साथ जाती है, और पहली बार में ही उनसे बहुत प्रभावित हो जाती है, फिर अपने ससुर के साथ जाते रहती है, और अचानक एक दिन घोषणा कर देती है कि अब मुझे अपने इस हस्बैंड के साथ नहीं रहना है, मैं उनको तलाक दे रही हूँ। उनके 3 बच्चे थे। अब वो कोर्ट में अर्जी देती है कि भाई मुझे
मतलब वॉयलेंस वगैरह होता है घर में, और मुझे तीनों बच्चों की कस्टडी मिल जाए और मैं इनसे अलग होना चाहती हूँ। अब केस लड़ा जाता है। अब उनके हस्बैंड दलील देते हैं कि मेरी वाइफ कृष्णा के बहकावे में, उनके टीचिंग्स के बहकावे में आ गई है, और वो अभी इस लायक नहीं है कि मेरे बच्चों का भरण पोषण कर सके, तो ये तीनों बच्चों की कस्टडी मुझे मिली जाए। और कोर्ट में जो रिकॉर्डिंग्स पेश की गई वो बता रही हूँ। कृष्णा ने बहुत पहले नहीं, कुछ समय पहले जब वो इंडिया में आए हुए थे ना 18 महीने के लिए, तब कुछ कहा था उन्होंने भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा कि कितनी पुअर कंडीशन में है इंडिया में, और अपने हस्बैंड के कितनी स्लेवरी कर रही है। हिंदी में आपको पूरा बता रही हूँ। भारतीय स्त्रियों की दुर्दशा और उनकी पतियों की दास्ता का जिक्र था उस रिकॉर्डिंग में। अब वो रिकॉर्डिंग जब बजाई गई और बताई गई, तो कोर्ट का में नंदनी अपना केस हार जाती हैं और उनके तीनों बच्चे उनके हस्बैंड के पास ले लिए जाते हैं, और वो अपनी मदर के पास आके रहने लगती हैं। और ये टेलीग्राम से उनको खबर की जाती है कि कृष्णा को कि वो डिवोर्स ले लिए और ऐसा वैसा, तो कृष्णा कहते हैं कि जो भी होगा ठीक होगा। अब यहां तक के तो भी बात सही थी, पर पूरे इंग्लैंड में ये खबर फैल जाती है कि किसी इंडिया की स्त्री के विवाह के लिए कोर्ट में उनको बुलाया गया, जबकि उनकी सिर्फ रिकॉर्डिंग चली थी। कहा जाता है कि नंदिनी के लिए उनके मन में हमेशा से बहुत ज्यादा कोमलता रही, पर देखिए वो व्यक्तिगत प्रेम से कहीं आगे थे, पर लोग नहीं समझते। जब तक के संसार है ना 3 डायमेंशनल, तो ये उनकी एक फ्रेंड बनी नंदिनी मेहता। दूसरी जो पुपल जैकर थी वो बहुत ही अपनी मैरिड लाइफ में बहुत खुश थी और कुछ क्राफ्ट्स वगैरह का काम करती थी, और इंदिरा गांधी की बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी। तो जब 66 में इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर बनी, तो इनका प्रभाव भी बहुत बहुत हो गया। कई आप उनके क्वेश्चन आंसर्स के राउंड में पुपल जैकर को देखेंगे। अब महात्मा गांधी की हत्या हो जाती है, इसके पहले ही कृष्णा दिल्ली आ चुके थे। कहा जाता है कि, और कृष्णा ने भी ये वाली बात बताई कि नेहरू ने, पंडित नेहरू जी ने उनको अलग से ले जाके एक कमरे में बंद होके अपनी वेदना बताई थी, क्योंकि आपको भी मालूम है उस समय इंडिया पाकिस्तान का कितना चल रहा था। तो बकायदा कृष्ण मूर्ति से उन्होंने वेदना बताई थी, और नेहरू जी को वो बहुत पसंद भी करते थे। और जो ये 18 महीने इंडिया में रहे थे ना, उस समय मुंबई में वो इतना मेड्रॉल जा रहे थे, कभी मुंबई में वार्ताएं मतलब लगातार चलते जा रही थी। दिल्ली, इंडिया, तब कराची पूरा नहीं बटा था, कराची मतलब हर जगह वो जा रहे थे। एमिली लिखती है कि इस समय में जितना उन्होंने मेहनत किया, उस समय तक के आज तक के कभी उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की थी। इतना एक के बाद एक वार्ताएं, और लोग पागलों के समान उनके पास आते थे, और सबसे ज्यादा इंडिया में तो उनको दिव्य गुरु के रूप में ही पूजा जाता था। लोग उनके पैरों को छूते, उनको पकड़ते, उनके हाथों को छूते, वो घबरा जाते थे। एक बार तो कहते हैं कि किसी ने उनका हाथ पकड़ के अपने मुंह तक के ले गए थे, तो वो इतना घबरा गए थे। बहुत प्यारे कोमल से थे हमारे कृष्णा। तो बहुत मेहनत उन्होंने की। अब जब इन्होंने इतनी मेहनत की, तो अब उनको लगा कि मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, और वो ऊटी चले गए। और जब ऊटी गए, तो पुपल जैकर और नंदिनी जो उनकी फ्रेंड थी और दो तीन और लोग थे, उनको भी उन्होंने कहा था कि तुम लोग आ जाना वहां पर। तो वो बगल वाले होटल में बाकी फ्रेंड्स लोग रुके थे, और यहाँ पर वो रुके थे कृष्णा। अभी अभी नई नई दोस्ती हुई थी नंदिनी की और पुपुल की। वो कृष्णा के प्रोसेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, बस इतना मालूम था कि थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया था, ऐसा वैसा बस थोड़ा बहुत मालूम था। अब एक दिन ने लोग तीनों जने सैर करने जाते हैं। सैर करने जाते तो अचानक ये बोलते हैं कृष्णा कि घर चलो वापस, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, और प्लीज तुम लोग मुझे छोड़ के मत जाना, और डरना नहीं, और किसी भी डॉक्टर को नहीं बुलाना। और उन्होंने अपने सर में दर्द होने की बात कही। ये सब चीजें पुपल जैकर ने लिखा है, जो मैरी ने इस बुक में छापा है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक सेंटेंस भी मेरे से मिस हो जाए, है ना। अपने सिर में दर्द होने की बात कृष्णा ने कही। कुछ समय बाद वो बोले
कि वो जा रहे हैं। उनका चेहरा थका और पीड़ा से भरा था। अब कृष्णा की देह चेतना, अब उनको कुछ नहीं मालूम, वो बैठी हैं और कृष्णा की देह चेतना अचानक, उनको नहीं मालूम है ना, वो बोल रही है कि उनकी बॉडी उनसे पूछ रही है कि आप दोनों कौन है, क्या आप लोग नित्या को जानती हैं? और क्योंकि अब नेचुरली जब तक के उनकी लाइफ में पुपुल और नंदिनी आई थी तब तक के तो नित्या की डेथ हो चुकी थी, तो वो ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, पर वो कृष्णा की जो देह चेतना थी वो नित्या के बारे में बताने लग गई। और उन्होंने बताया कि नित्या की मृत्यु हो चुकी है, वो इसे बहुत प्यार करते थे और उसके लिए रोए थे। और फिर वो कहते हैं कि मैं कृष्णा को वापस नहीं बुला रहा हूं, वह मुझसे कह रहा है कि मुझे मत बुला, कृष्णा को मैं नहीं बुलाऊंगा। अब इनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि खुद तो कृष्ण है और बोल रहा है मैं कृष्णा को नहीं बुलाऊंगा। उसके बाद वो मृत्यु के बारे में बोलने लग गए। उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल नजदीक है, बस एक धागे के अंतराल, धागे बराबर अंतराल पर है। कितना आसान होगा उनके लिए मृत्यु का वरण करना, मतलब मृत्यु को अंगीकार करना, पर वह ऐसा नहीं करना चाहेंगे क्योंकि उनके जिम्मे कुछ कार्य हैं। वो कृष्णा के लिए बोल रहे हैं कि कितना आसान होगा अगर वो मृत्यु को अंगीकार कर ले, परंतु वो नहीं कर रहा है क्योंकि उसके हिस्से में कुछ काम है और नेचुरली उसको एक बॉडी की तो जरूरत है ना, इसीलिए तो नहीं कर रहे हैं। आखिर में वह बोले, वह वापस आ रहा है, क्या आप उसके साथ उन लोगों को नहीं देखती जो कि निष्कलंक, निर्मल और पावन है? अब देह चेतना किसी ऐसी सत्ताओं को देख रहा है और उनके लिए पुपुल और नंदिनी को पूछ रहा है कि क्या आप उन लोगों को नहीं देखती जो निष्कलंक, निर्मल और पावन है? अब चूंकि वे लोग यहां हैं तो वह आएगा, मतलब कृष्णा लौट आएगा। अब लोग आ गए तो मतलब कृष्णा भी आएगा। मैं कितना थक गया हूं, पर वह एक पक्षी के समान है, नित्य नूतन। कौन? कृष्णा का सेल्फ पक्षी के समान है, नित्य नूतन। और तभी अचानक कृष्णा फिर से वहां थे, मतलब उनका सेल्फ आ गया था। ये घटना हो जाती है, लिख लेती हैं वो। फिर दूसरी और एक बार घटना होती है, इन लोग फिर से लिखती हैं कि कृष्णा सैर पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, हम सब लोग जाने के लिए तैयार हो रहे थे और कृष्णा भी तैयार हो रहे थे। वो बहुत तैयार होते थे ना, एक एक बाल को एकदम सलीके से रखते थे और वो करते थे। उनके ऊपर राजगोपाल ने बहुत सी चीजें बोली है, तो क्या बुरा है यार, सुंदरता दिखना चाहिए। वो बहुत कंसर्न रहते थे अपनी ब्यूटी के लिए और सामने वाले की भी, कैसे पहना है, कैसा मतलब हर चीज वो देखते थे। तो तैयार हो रहे थे, तभी अचानक, मैं क्यों बहक जाती हूँ, मेरे को इतनी प्यारी प्यारी उनकी बातें याद आती है ना, तो मेरे को लगता है मैं आप लोग को बता दूं कहीं मैं भूल ना जाऊं। कृष्णा शहर पर जाने की तैयार होती, तभी अचानक उन्होंने कहा कि वो बहुत कमजोर महसूस कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि वह वहां पूरी तरह नहीं है। वो बोले, कितनी पीड़ा हो रही है, और अपने सिर का पिछला हिस्सा पकड़ कर लेट गए। कुछ मिनट के बाद जिस कृष्णा को हम जानते थे वो वहां नहीं थे। 2 घंटे तक हमने उसे घोर पीड़ा से गुजरते देखा, ऐसी पीड़ा मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। वह बोले कि उनकी गर्दन के पीछे दर्द है, दांत में उनके दर्द है, पेट फूल रहा है, कड़ा हो रहा है और वो कराह रहे थे। बीच बीच में वो चिल्लाते, कई बार वो बेहोश हो गए। जब पहली बार वापस आए बेहोशी से, तो दोनों बहनों को उन्होंने कहा कि जब मैं मूर्छित हो जाऊं, बेहोश हो जाऊं, तो मेरा मुंह बंद कर देना। वह कहते रहे, ओ अम्मा, ईश्वर मुझे शांति दे, मुझे पता है वे किस बात पर आमदा है, उसे वापस बुलाइए। मुझे पता है जब पीड़ा चरम पर पहुंच जाएगी तब वे वापस चले जाएंगे, वे मतलब अदर, अन्य। उन्हें पता है कि शरीर कितना बर्दाश्त कर सकता है, अगर मैं पागल हो जाऊं तो मेरा ख्याल रखना। हालांकि ऐसा संभव नहीं है कि मैं पागल हो जाऊं, वे लोग इस शरीर को लेकर बहुत सावधान हैं। मैं कितना बूढ़ा अनुभव कर रहा हूं, मेरा केवल एक छोटा सा हिस्सा काम कर रहा है। मैं एक रबड़ के खिलौने की तरह हूं जिसके साथ बच्चे खेला करते हैं, यह बच्चा ही है जो इस खिलौने को जीवन देता है। यहाँ पे वो बच्चा किसको कह रहे हैं? सेल्फ को। सेल्फ हमारी इस बॉडी को, खिलौने को जीवन देता है ना।
आप पढ़ेंगे ना तो और ज्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसलिए मैं आप लोग को बीच में बता रही हूँ कि ये सेल्फ, ये बच्चा ही है जो इस खिलौने को जीवन देता है। इस पूरे समय उनका चेहरा थका मांदा और पीड़ा की यातना से भरा था। उन्होंने अपनी मुट्ठियां बांध के रखे हुए थे और उनकी आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। फिर बोले कि ऐसा लगता है कि पहाड़ी पर चढ़ता हुआ मैं एक इंजन हूं। 2 घंटे के बाद वो फिर बेहोश हो गए और जब वह लौटे तो बोले, मेरी पीड़ा मिट गई है, मेरे अंदर बहुत गहराई में कुछ घटित हुआ है जिसका मुझे आभास है। गैसोलीन, गैसोलीन एक फ्यूल है, गैसोलीन का भंडारण मेरे अंदर कर दिया गया है, अब मेरा टैंक पूरा भरा है। ये सब चीजें वो लिख रही हैं पर्पल चेकर, और समझ रही हैं कि कुछ हो रहा है, और शायद तब तक के उनको थोड़ा बहुत मालूम भी चल गया हो कि प्रोसेस हो रहा है, था पहले भी हुआ था और अभी भी हो रहा है। तो बोलती हैं कि जब ये सब चीजें हो गई तो एक दिन हम उनसे बात करते हुए मैंने पूछा कि आप उस पीड़ा को आने से रोक क्यों नहीं देते। तो कृष्णा कहते हैं कि तुम्हारा एक बच्चा है ना पोपल, जब वो बच्चा आना शुरू होता है तो क्या तुम रोक सकती हो। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर दी, मतलब कृष्णा ने अपनी आंखें बंद कर दी और पालथी मार के बैठ गए, और उनके होंठ थोड़े से हिले और ऐसा लगा कि उनके उनका मतलब वो कह रही है कि उनके शरीर बढ़ता हुआ प्रतीत हुआ, ऐसा लगा कि कोई विराट एनर्जी उस उनके अंदर जा रही है, और पूरे कमरे में ऐसा स्पंदन, ऐसा वाइब्रेशन हो रहा था जैसा हमने कभी नहीं महसूस किया था। और फिर थोड़ी देर के बाद आंख खुल करके बोलते हैं, तुमको महसूस हुआ जो यहाँ पे घटित हुआ। तो पुपुल और वो बोलते हैं, हाँ हमको एक वाइब्रेशन लगी थी। बोले ठीक, अब तुम लोग अपने घर जाओ, मतलब अपने होटल में जाओ, और मैं कल बिल्कुल तरोताजा उठूंगा, बिल्कुल शुद्ध वर्षा की बूंदों की तरह निष्कलंक, अगर खुद को से बोलते हैं और चले जाते हैं। अब ये 30 मई को घटना घटी थी और मई के महीने में ही ये सब हुई थी ऊटी में, अभी भी वहां पे वो रुके हुए थे। अब फिर 2 जून को, जून में 2 घटनाएं और होती हैं। एक दिन बोलते हैं कृष्णा पुपुल और नंदिनी को कि चलो अब सैर पे मैं जा रहा हूँ और तुम लोग मेरे कमरे में वेट करना, मैं आऊंगा और तुम लोगों से बात करूंगा। ठीक है, दोनों जने वेट करते रहती हैं क्योंकि अभी जो बोलूंगी ना बहुत मतलब मुझे नहीं अच्छा लगा था, पता नहीं। जब वो लौटे तो एक अजनबी के रूप में थे, कृष्णा जा चुके थे। उन्होंने कहना शुरू कर दिया, कृष्णा ने कहना शुरू कर दिया जो उनकी बॉडी थी वह भीतर से आहत थे, उन्हें जला दिया गया है, उनके सिर के आर पार दर्द हो रहा है। उन्होंने कहा, तुम्हें पता है तुम उसे कल नहीं देख पाती, वह वापस आया ही नहीं होता। वह अपने शरीर को लगातार टटोलते महसूस करते रहे यह जानने के लिए कि वह यहां पूरा मौजूद है भी या नहीं। वह फिर आगे बोले, मुझे वापस जाकर जरूर पता लगाना चाहिए कि सैर के वक्त क्या घटित हुआ, कुछ हुआ था और वे लोग अदर जल्दी जल्दी वापस चले गए थे, लेकिन मुझे मालूम नहीं कि मैं लौटा या नहीं। हो सकता है मेरे कुछ अंश सड़क पर पड़े हों। अब एक और घटना बता दे रही हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको जितना मुझे समझ में आया मैं बताऊंगी आप लोगों को। मैं वापस आया कि नहीं मुझे नहीं मालूम, हो सकता है मेरे कुछ अंश सड़क पर पड़े हों। फिर अगले दिन शाम को वो अकेले सैर पर चले गए और उनके कमरे में दोनों बहनें इंतजार कर रही थी। 7 बजे के करीब वो लौटे और पुनः एक अजनबी थे, वो लेटने चले गए। वह बोले, उन्हें लग रहा है कि वह जल गए हैं, पूरी तरह जल गए हैं। वह रो रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने पता कर लिया है कि सैर के वक्त क्या हुआ था। वह पूर्ण रूप से वापस आया और उसने सारा भार अपने ऊपर ले लिया, इसलिए मुझे यह पता नहीं चला
था कि मैं लौटा या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। उन्होंने मुझे जला दिया है ताकि और अधिक रिक्तता, एम्प्टीनेस हो सके। वे देखना चाहते हैं कि उसका, अदर का कितना अंश इसमें आ सकता है। जब ये कह रहे थे तो दोनों बहनों ने कहा कि उस कमरे में वही वाइब्रेशन जो 30 मई को उन्होंने महसूस किया था, बिल्कुल वही महसूस कर रही थी। आप लोग ने अगर नहीं सुना होगा तो इसको फिर से आप वीडियो में सुनिएगा कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मैरी ने इसके बारे में कुछ भी नहीं कहा कि वो क्या था जो जला दिया गया या पूर्ण रूप से उसमें समा गया। जितना मैं समझ पाई, मैं बता रही हूं, हो सकता है मैं गलत हूं, आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, आप लोग भी समझिएगा कि वो क्या कहना चाह रहे थे, क्योंकि मस्तिष्क हमारा नहीं समझ सकता। पर फिर भी जो थोड़ा बहुत मैं समझी, मैंने टॉरकॉम को काफी पढ़ा है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की बुक नहीं पढ़ी है ज्यादा, जितना मैंने टॉरकॉम को पढ़ा है। टॉरकॉम कहते हैं कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है वो हमेशा पृथ्वी की तीन बॉडीज के बारे में बात करते थे। एक मिनट फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा कोई अर्जेंट कॉल है। तो टॉरकॉम क्या कहते हैं, एक हमारा फिजिकल में जो हम रहते हैं ना, हमारी फिजिकल बॉडी, इमोशनल बॉडी और हमारी मेंटल बॉडी, वो तीनों हमारी इस पृथ्वी पर रहने के लिए हैं, जिसको हम लोअर सेल्फ बोलते हैं हमेशा, है ना। हायर सेल्फ कौन है? हमारा जो हायर सेल्फ है, हमारा जो मेन सेल्फ जिसको कहते हैं, उसमें वो कहते हैं टॉरकॉम हायर मेंटल बॉडी, मोनेडिक और दूसरी बॉडीज के बारे में बताते हैं। वो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है, पर पृथ्वी पे रहने के लिए जो हमारी बॉडी है वो फिजिकल, एथरिक की वो बहुत कम चर्चा करते हैं, वो चार बॉडीज नहीं बोलते हैं। अपन कैसे बोलते हैं फिजिकल, एथरिक, इमोशनल और मेंटल, पर टॉरकॉम मोस्टली तीन बॉडीज बोलते हैं, फिजिकल, इमोशनल और मेंटल। क्योंकि जो भी हम विचार कर रहे हैं वो हमारी मेंटल बॉडी में दर्ज हो रहा है, जो भी हम इमोशन कर रहे हैं वो हमारी इमोशनल बॉडी में परमानेंट एटम्स बनते जा रहे हैं, तो हमारी तीन बॉडीज हमारे साथ रहती है। अब जब ये कहते हैं कि मुझे जला दिया गया, तो देखिए फ्रेंड, जब हमारी मृत्यु हो जाती है ना, हम यहां से एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं, एस्ट्रल वर्ल्ड में अपने जो भी हमारे ऑब्स्टिकल रहते हैं उनको पूरा करने के बाद, हम कई कई लोग तो वहां पे हजारों सालों तक के रहते हैं, कुछ 100 वर्षों तक के रहते हैं, जितना भी रहे, उसके बाद एथरिक फिजिकल बॉडी हम पृथ्वी पर छोड़ के जा रहे हैं, एथरिक बॉडी भी हम पृथ्वी पर छोड़ के चले जाते हैं। जब हम एस्ट्रल वर्ल्ड में जाते हैं तो वहां पर रहते हैं, और फिर उसके बाद हम अपने एस्ट्रल बॉडी को भी छोड़ के जाते हैं। वो एक आवरण है, ईथर का बना हुआ है, कोई ये पंचभूत है हमारा, है ना। एथरिक बॉडी भी ईथर की है, एस्ट्रल बॉडी में भी जो तत्व है वो हमारे इस सॉलिड वाले में नहीं है, पर वहां पर जो वो आवरण छोड़ते हैं उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, जो मैंने आप लोग को उसके बारे में बताया था ना, साइकी पावर्स वाला, उसमें याद करिए कि वहां पर एस्ट्रल बॉडी को छोड़ के हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं। हमारी एस्ट्रल बॉडी तुरंत विस्फोट के साथ वहां पर जल जाती है, उसके बाद हम मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं। मेंटल वर्ल्ड में अपना काम पूरा करने के बाद हमारी मेंटल बॉडी गिरती है, वो भी जलती है, और फिर हम कॉजल वर्ल्ड, हमारा परमानेंट होम, वहां पर जाते हैं, जहां पे हम फिर से रीइंकार्नेशन का ताना बूना बून के फिर वापस आते हैं। हमारा परमानेंट होम कॉजल वर्ल्ड है। अब तीन बॉडी है हमारी। अब फिजिकल बॉडी हमारे मेंटल और इमोशनल बॉडी का रिफ्लेक्शन है, उसका सारभूत है, समझ गए। अब जब ये बोल रहे हैं जला दिया गया, कुछ चीज पड़ी हुई है, तो मुझे ऐसा लगा, कल रात को मैं बहुत देर तक ये सोचते रही, तो मुझे लगा कि क्या शायद उनकी इमोशनल या मेंटल बॉडी को जलाया जा रहा था, क्योंकि वो कह रहे हैं कि वो जला रहे हैं मेरे उस अंश को ताकि और रिक्तता आए, एम्प्टीनेस आए।
क्योंकि हमारी इमोशनल बॉडी और मेंटल बॉडी हमारे दूसरे दुनिया में नहीं रहती है, हमारे अंदर है ना, हमारी पूरी 7 बॉडीज हमारे अंदर है। डेंसिटी के फर्क के कारण वो एक दूसरे में ही हमारे अंदर है। तो शायद वो रिक्तता उनकी मेंटल और इमोशनल बॉडी को जलाकर, उनको खत्म करके वो स्पेस बनाई जा रही है, ताकि वह द अदर जिसको बोलते थे वो उसमें समा सके ज्यादा से ज्यादा। मैरी यहाँ पे लिखती है कि जो बहनों को तो अतीत के बारे में घटनाएं नहीं मालूम थी, जो ओहाय में हुई थी, आरवर्ल्ड में हुई थी, पर्जिन में हुई थी, मैंने आप लोग को तीनों का बताया था, पर उनकी और पुपुल ने जो पूरी नोट किया है उन सब में एक ही चीज समानता थी उनके प्रोसेस में, कि पीड़ा के वक्त कृष्णा का बेहोश हो जाना, कृष्णा के शरीर का भयभीत होना, उसे वापस बुलाने का डर कि मैं कृष्णा को बुलाऊंगा तो वो नाराज होएगा, नहीं मुझे नहीं बुलाना है। और क्योंकि वो इसलिए बुलाना चाहता था क्योंकि जैसे कृष्ण आता था दर्द खत्म हो जाता था, है ना, तो वो बुलाना चाहता था देह चेतना, पर बुलाने से डरता भी था क्योंकि अगर कृष्णा वापस आ जाएगा तो प्रोसेस रुक जाएगी, है ना। तो ये सब जो भी चीजें हो रही थी, मैरी लिखती है कि ये सब में बिल्कुल एक साथ ही सब चीजें हो रही थी। और फिर इस बात के संकेत कि वह मृत्यु के कितने निकट है, हो सकता है उनकी इमोशनल और मेंटल बॉडी को चला दिया गया हो, और अब जो घटनाएं हो रही हैं उनसे वो जो बोल रहे हैं मृत्यु के निकट है। फिर मैरी लिखती है बहुत अच्छी चीज की, पुपुल जैक जैक जैकर की वर्णनों से हमें पता चलता है कि कृष्णा के अतिरिक्त और भी सत्ताएं उस वक्त मौजूद रहती थी, उसी प्रकार जिस जैसे कि पिछले दर्ज की हुई घटनाओं में जिक्र आता है। एक तो वे जो शरीर के प्रति बहुत सावधान रहते थे, अनुमान है कि वही लोग जिनका जिक्र पुपुल जयकर ने पहली घटना में निष्कलंक, निर्मल और पावन के रूप में किया था। देखिए जब वॉक इन होता है ना तब भी मास्टर्स रहते हैं, मैं आखिरी में आप लोग को बताऊंगी वॉक इन के बारे में। यहाँ पे जब कृष्णा को लेके जाते थे तब उनको तो लेके चले जाते थे, जब वो वापस आता था तो उस सेल्फ को फिर से इस बॉडी में फिट होने के लिए या पूरी तरीके से एक बोलते हैं ना अलाइन होने के लिए शायद वो सत्ताएं मौजूद रहती थी जिनको निष्कलंक, निर्मल और पावन के रूप में किया गया है। इसके बाद आता है वह जो 19 जून को सैर के दौरान पूर्ण रूप से आता है और अपने ऊपर सारा भार ले लेता है। समझ रहे हैं आप, सेल्फ जो कृष्णा का जो सेल्फ था उसके बदले में वह आता है और पूरा भार ले लेता है। बिस्तर पर लेटी यातना से गुजर रही वह सत्ता जला दी जाती है ताकि और अधिक रिक्तता आ सके और उस वह का अधिक से अधिक अंश कृष्णा के शरीर में समा सके। देह चेतना है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बॉडी को उन्होंने जला दिया है, नहीं, सिर्फ उसकी जो दूसरी सटल बॉडीज है उनको जलाया गया था शायद। अब मारी लिखती है कि वे के रूप में, जो अदर के रूप में, जो एंटिटी बिनाम सत्ताओं का जिक्र आता है, इनके अलावा अब तीन सत्ताओं की, तीन एंटिटी की मौजूदगी प्रतीत होती है। एक शरीर की पीड़ा को झेलने के लिए बॉडी कॉन्शियसनेस है जो बिस्तर पे लेटी है और रोती है, कराती है, जो पीछे छूट जाती है। एक कृष्णा जो कहीं जाते हैं और फिर वापस आते हैं, और तीसरी रहस्यमयी सत्ता वह द अदर। अब वो लॉर्ड मैत्रेय हैं, बुद्धा हैं, डोंट नो। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी सत्ताएं कृष्णा की चेतना के विभिन्न रूप थे या ये अलग अलग सत्ताएं थे। इसका आंसर सिर्फ एक ही व्यक्ति बता सकता था, स्वयं कृष्णा, पर उनको तो स्मृति रहती ही नहीं थी। वो तो हमेशा उस समय प्रोसेस के समय शरीर से बाहर रहते थे। बस इतना जरूर वो बताते थे कि वो जहां भी जाते हैं, चाहे प्रोसेस के दौरान या ऐसे भी फिजिकल वर्ल्ड में जब घूमते हैं पृथ्वी पर संसार में, तो उनके साथ कोई रहता है जो उनकी रक्षा करता है और उनकी भी रक्षा करता है जो उनके साथ घूम रहे हैं।